क्या कहना चाहती है मैडम? आज हमारे मंदिर में राधा जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक प्रोग्राम चलेगा, इसके लिए आज भागवत का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें आज कलश यात्रा निकाली जाएगी, इसमें 108 महिलाएं भाग लेंगी। ये कहाँ से तक जाएगी? ये मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करी जाएगी। ये हर साल होता है कार्यक्रम? हाँ जी, हर साल ये परिक्रमा निकाली जाती है भागवत आरंभ होने से पहले। कितनी महिला भाग ले रही? 108 महिला इसमें भाग ले रही। कौन से वस्त्र पहन के? सब पीले वस्त्र पहन के जाएगी इसमें। क्या कहना चाहती है कलश यात्रा निकलने? मंदिर के कोषाध्यक्ष, अब हमारे इसमें श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने वाली है, उससे पहले अभी हमारी कलश यात्रा निकलेगी। 108 महिलाएं कलश सर पे धारण करके और येलो वस्त्र पहन के कलश यात्रा निकालेंगी। पूरी मंदिर की परिक्रमा होगी, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का शुरुआत हो जाएगी। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी कलश यात्रा? ये हरि मंदिर की पूरी परिक्रमा चारों तरफ से। कितनी महिला भाग ले रही? 108 महिलाएं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भागवत में जो होता है कि पहले कलश धारण किया जाता है, तो उसके लिए 108 महिलाएं कलश धारण करके भागवत के समर्थ रखी जाए। और संदेश बरेली के लिए? बरेली के लिए और क्या, सबसे बढ़िया है हमारा बरेली।